हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी, सुपर सॉफ्ट, डिलीशियस मिठाई की रेसिपी, जो हम बिल्कुल किसी भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बनाने के लिए। और ये कितनी सुपर सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। तो सिर्फ बिस्किट से बनाएंगे और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसे आप एक बार बना लेंगे तो आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि जब भी आपके घर मेहमान आएंगे, जब भी आपका मीठा खाने का मन करेगा तो आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी सी सुपर टेस्टी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस घर में रखे हुए जो बिस्किट्स होते हैं वही चाहिए। तो ये मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं और ये लिए मैंने चॉकलेट वाले बिस्किट। तो दो तरह के बिस्किट को हम मिक्सर में पीस लेंगे। अगर चॉकलेट वाले क्रीम वाले बिस्किट हैं तो क्रीम समेत पीस लीजिए, और क्रीम अलग करना चाहते हैं तो क्रीम भी अलग कर सकते हैं। तो फाइन पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मिलाएंगे पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर जो मैरीगोल्ड बिस्किट है वो कम मीठे होते हैं, तो इसलिए हमने हाफ कप मिलाया है। और जो चॉकलेट वाले बिस्किट है ये मीठे हैं वो ऑलरेडी, तो इसमें थोड़ा सा मिलाया है। तो कोकोनट पाउडर मिलाएंगे इसमें, 2-3 चम्मच के लगभग कोकोनट पाउडर मिला देंगे दोनों में ही। और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच मैंने दोनों में ही मिला दिया है, 2-3 चम्मच के लगभग। तो थोड़ा थोड़ा सा मिला देंगे अंदाजे से, तो 3 चम्मच के नाप से मिला लीजिए जी। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मैरीगोल्ड वाले बिस्किट का जो मिक्सर है इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाले दूध से इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर डालकर इसे एक डो बनाएंगे। तो डो हमें बिल्कुल टाइट नहीं रखना, और अगर टाइट डो बनेगा तो फ्रेंड्स ये फट जाएगा, तो इस फिनिशिंग के साथ कटना ही होगा। और अगर सॉफ्ट डो होगा तो ये फिनिशिंग के साथ इसकी मिठाई है जो अच्छी सी नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर मैंने डो रेडी कर लिया है। तो इस डो को एक बार साइड में रख देंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स, जो चॉकलेट वाला मिक्सर हमने लिया था ना, जो चॉकलेट वाला जो रेडी किया था उससे डो बना लेंगे। तो चॉकलेट वाले में भी थोड़ा सा दूध ऐसे ही मिला लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाते जाएंगे और इसका भी एक डो बना लेंगे। तो एकदम से आप दूध ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये वो हो जाएगा, एकदम से लूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों तरह के डो हमारे अब रेडी है। तो इसके लिए ज़्यादा हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। एक कोई भी पेपर ले लीजिए, या प्लास्टिक पेपर या फिर बटर पेपर ले लीजिए। तो जो मैरीगोल्ड वाला जो मिक्सचर है ना उसको फैला देंगे। तो इसे इक्वली बेल लेंगे। तो इसे चौरस बेलना है, तो लंबाई में नहीं बेलना, इसे चौरस इस तरह से, ज़्यादा मोटा नहीं रखना इसको, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, इसे इक्वली बेल लेंगे। तो जिस भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, उस क्वांटिटी में आप बड़ा या छोटा रोल बना सकते हैं। जिस भी तरह से आपके पास बिस्किट है उसी तरह से बना लीजिए। तो इसी तरह से जो उसको साइड में रख देंगे बेलने के बाद। तो अब ये जो चॉकलेट वाला बिस्किट का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, जो डो तैयार किया था, उसको भी फैला लेंगे इस तरह से। तो इस जो डो को, जो हमने शीट बनाई है इसकी, तो उसको उसके ऊपर डाल देंगे, जो हमने मैरीगोल्ड वाले डो से जो शीट बनाई थी ना, तो इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। तो इनको आपस में फिर ये चिपक जाएंगे आपस में, फिर इन्हें प्लास्टिक पर फैला कर इन्हें सेट कर देंगे। तो फिर इसे हम जो पेपर वाली शीट ली थी ना उस पर डाल देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, इसको 2 लेयर्स में बन जाएगा ये, और इसे अब उसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए, अब इसे मैंने थोड़ा सा और बेल लिया था लंबाई में, तो इस तरह से इसे धीरे धीरे से रोल कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये रोल हो रहा है ना, इसी तरह से रोल कर देंगे। तो इसे इक्वली रोल कर इसे और सेट करने के बाद इसे फ्रिज में रखेंगे। 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में जल्दी जम जाएगा और कटिंग भी फिनिशिंग के साथ होगी। और फिर निकाल लिया है मैंने इसे फ्रिज से। निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें अब इसके जो हम मिठाई कट करेंगे, तो रोल कट करेंगे इसे। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे कोट कर देती हूँ, तो लंबे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। तो कोई ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं इसे, और इसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे ताकि इस लुक आए और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसको सिल्वर जो वर्क आता है मिठाई वाला, उससे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ड्राई फ्रूट से भी कोट कर सकते हैं, बस इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इस पर वर्क लगा दीजिए। तो वर्क लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसे कट करेंगे। तो इसकी मोटाई आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। आप
जितना आप इसे मोटा पतला रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पीस कट हुआ है। तो इसी तरह से सभी पीस कट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स पीस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, एकदम ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से लाई हुई जो मिठाई होती है, जो हम चॉकलेट रोल या इस तरह से जो मार्केट में मिलती है मिठाई, वही वैसा ही लुक आ रहा है इसका और टेस्ट में बहुत ही अच्छी है। तो कोई देखने में कह ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर पर बनाई है और वो भी बिस्किट से। तो एकदम से ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स, और ये सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो लुकिंग है वो कितनी अच्छी है और खाने में बहुत ही यम्मी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर न्यू है तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स आज की रेसिपी में बस इतना ही, इसी तरह से मिलते रहे नई नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।